हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि खीरा का कड़वापन कैसे दूर करें। हमारी टिप्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आगे भी हमारी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। ये हमने एक खीरा ली है, आप देख सकते हैं इसका एक हिस्सा डार्क ग्रीन कलर है और दूसरा हिस्सा लाइट ग्रीन कलर है। हमें आगे का जो डार्क ग्रीन कलर है वह हिस्सा आगे से काटना है। मैंने ये आगे का हिस्सा काट लिया। अब कटे हुए टुकड़े को लेकर खीरा को गोल गोल घिसना है। खीरा में कुकुरबिटासिन नाम का तत्व होता है जिसके कारण खीरा कड़वी होती है। जब हम इसको रब करते हैं गोल गोल, तब यह तत्व वाइट फॉर्म के द्वारा बाहर निकलता है। आप देख सकते हैं ये घिसने से वाइट फॉर्म बना है। इसको अब हम और घिसेंगे, देखिए वाइट फॉर्म ज़्यादा बाहर आ गया है। ऐसा फॉर्म जब बाहर निकल जाता है तब खीरा का कड़वापन दूर हो जाता है। अब हम इसको पानी से वॉश करेंगे। अब मैंने एक बाउल लिया है और मैं खीरा को पानी से वॉश करूँगी जिससे इसका वाइट फॉर्म दूर हो जाएगा। अब हम इसको नैपकिन से पोंछ लेंगे। अब हमारी खीरा का कड़वापन दूर हो गया है, अब ये खाने के लिए रेडी है। तो हम इसका छिलका निकालेंगे। सारी खीरा कड़वी नहीं होती है, पर आप जब भी खीरा काटें इसी तरह से काटें, अगर उस कड़वी होगी भी तो उसका कड़वापन दूर हो जाएगा। देखिए ये हमारा खीरा का छिलका निकल गया है। अब हम खीरा को काट लेंगे। जब हम काटेंगे तब इसकी पहली स्लाइस आप मत लीजिए, उसको निकाल दीजिए। अब हम खीरा को गोल गोल कट कर लेंगे। खीरा गर्मियों का बहुत अच्छा दोस्त है, आपकी डाइट में ज़रूर इसको शामिल करें। ये हमारी खीरा का कटिंग हो गया है, इसका कड़वापन तो दूर हो गया। अब इसको हम थोड़ा टेस्टी बना देते हैं। अब इसमें थोड़ा नींबू का रस डालते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला ये हमने छिड़क दिया है और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट छिड़क देंगे। ये हमारी खीरा बिटरलेस एंड टेस्टी खीरा रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करें। आगे भी हमारी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।